मुहर्रम में हलीम भी बनाते हैं लोग, तो बेअस चीज है, बिदत है, कुछ सवाब समझ के करेंगे बिदत है। बाज लोग कहते हैं हम सवाब समझ के नहीं कर रहे, वैसे ही सब बना रहे हैं तो हम भी बना रहे हैं, तो बिदत की ताई तो हो रही है ना। आप पूरा साल पड़ा है हलीम खाने के लिए, आपको क्या मुसीबत है कि आप मुहर्रमी में देख पकाए, पूरे साल क्यों नहीं पका रहे थे आप। तो जब एक रसम मुआशरे में गलत रसम फैल जाती है तो उसका बायकॉट करना चाहिए, तो आप ना बनाएं किसी और महीने में बना लें आप, तो पूरी पूरी रात देखें चल रही होती है। मजहब के नाम पे तो ये काम ना किया जाए ना। और जो लोग कहते हैं मजहब के नाम पे नहीं कर रहे हम तो वैसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो यार किसी और दिन कर लो भाई, तुम पूरा साल पड़ा हुआ है ना, हमने कब कहा है कि आप देखें ना पकाएं, आप पकाएं पूरी पूरी रात घोटे लगाएं उसमें, किसी और दिन कर लें आप। इसलिए इस्लाम को बचाएं खुराफात से, इस्लाम को हमारे जिम्मे है कि हम इस्लाम को, इस्लाम वही है जो नबी लेकर आए, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। जब ये आयतें नबी पे नाजिल हो गई तो इसमें हलीम नहीं था मुहर्रम का, हलीम दीन मुकम्मल हो चुका, उसको रहने दें आप। और फिर वही है कि जब आप रोजा रखेंगे तो हलीम खाएंगे किस वक्त, रात को आप खाएंगे तो रात को तो वैसे ही कम खाना चाहिए, सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाई है, खाने पीने के लिए थोड़ी बनाई है रात, दिन में आपने रोजा रखना है, तो वो ये रोजे से भी मैच नहीं कर रहा है ये जो हलीम है ना। इसलिए इससे इज्तनाब करें, अवॉइड करें। जो गली के लौंडे लपाड़े बना रहे होते हैं उनको मोहब्बत से समझा दें, यार अगले दिन बना लो, बाज आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर निकल लें आप पतली गली से, उलझे नहीं लोगों से।